हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का एक आपका सब्जेक्ट है, इसका नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। इसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है? तो अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हो, वरना मैं इस वीडियो में भी आपको दोबारा से समझा देता हूं। जो 75 नंबर का आपका पेपर आएगा, और देखिए इसके जो क्वेश्चंस है वो रिपीटेड ही होते हैं। जो मैं आपको बताऊँ इनकी तैयारी कर लो, आपका आराम से निकल जाएगा, ठीक है? तो ये पहला पेपर है, ये दो साल का पेपर, एक 2018 का 2019 का, दोनों को हम कंबाइन करेंगे। तो पहला इसमें क्वेश्चन पूछेगा, भारत में कांग्रेस प्रणाली से आप क्या समझते हैं, उसके पतन के क्या कारण थे? मतलब कि पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इसका नाम ही है कि भारत के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय मतदाताओं के चुनावी व्यवहार में समकालीन प्रवृत्तियाँ कौन सी विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, भारत में राज्यों के संघीय पुनर्गठन के विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए, क्या इसने भारत की सभी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संतुष्ट किया है। चौथा क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्मनिरपेक्षता वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? भारत क्या धर्मनिरपेक्षता वाला राज्य है, ये भी पूछेगा, ठीक है? उसके पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में जाति के प्रभावों की आलोचनात्मक व्याख्या करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लें। छठा क्वेश्चन है, भारत में सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के मुद्दे का परीक्षण कीजिए, क्या आपके विचार में भारतीय लोकतंत्र के लिए स्वास्थ्यवर्धक सिद्ध हुए हैं। सातवां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ने भारतीय राज्य की प्रकृति बदल दी है, टिप्पणी कीजिए, मतलब वैश्वीकरण का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। आठवां क्वेश्चन है, टिप्पणी पूछेगा, भारत में सांप्रदायिक दंगे, दंगे लिख देना कोई भी, चुनाव सुधार, धर्मनिरपेक्षता, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बारे में, ठीक है? तो ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अब जरा मैं एक और साल का क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दूँ। तो ठीक है, ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है, तो अभी जो हम डिस्कस करते हैं वो 2018 का था। अब देखिए कितने सेम है, देखिए वो कांग्रेस वाला आ गया ना, पहले भी आपको कांग्रेस वाला इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलेगा। दूसरे में देख लीजिए, भारत में मतदान व्यवहार मिल गया, वही क्वेश्चन सेम। तीसरा है, पंजाब और उत्तर पूर्व राज्यों के अलगाववादी आंदोलन ने किस प्रकार भारत में राष्ट्रीय एकता के लिए संकट उत्पन्न किया। देखिए पंजाब में दंगे आपको पता है खालिस्तानी होते हैं, उन्हीं के ऊपर आपको लिखना है। चौथा है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता में अंतर कीजिए, सांप्रदायिकता से किस प्रकार भारतीय लोकतंत्र की संरचना को प्रभावित किया। देखिए बहुसंख्यक का मतलब है एक साम्राज्य में, जैसे मान लीजिए हिंदू ज़्यादा है मुस्लिम ज़्यादा है, तो इसमें क्या होता है, दंगे होते हैं, तो इसी के ऊपर आपको लिखना है। पांचवा है, दलितों की लामबंदी ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया है, ठीक है? छठा क्वेश्चन है, भारत में सकारात्मक कार्रवाई के क्रियान्वयन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। सातवां है, नव उदारवादी नीतियों ने किस प्रकार भारतीय राज्य के लोक कल्याणकारी प्रकृति को प्रभावित किया है, विवेचना कीजिए। आठवां, नोट्स आ जाएंगे, द्वितीय लोकतांत्रिक उत्थान, गठबंधन की राजनीति, भारत में धर्मनिरपेक्षता जरूर कर लेना, ठीक है? भारतीय राज्य की दमनकारी स्वरूप, तो ऐसे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, दोबारा मैंने बना दिया ताकि आप सभी को रिवीजन आप कर सके रिमाइंडर के तौर पे। तो यही क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं को आप कर लो जो मैंने अभी बताए, इन्हीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, करने तो आपको 4 से 5 ही है, ठीक है? वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।